लाडल दया जी मैं तेरे पड़ोस लाडल दया जी मैं तेरे पड़ोस चुके बालक तूहर पिता माया सुहला तेरा दुख पावन मान तान करो तेरा हो जानो आप सभी मद सभी ते बाहर बेमताज बापा पिता हो जानो नहीं तेरी पवन दुर्ता बंदर मंत्र संतो रखा मेरी ममता पयो कर पाल ठाकर रहे हो आवन जाना नानक गुरमिल पाक ब्रह्म पसाणा तेरे प्रोसे जी मैं लाड लजाया तेरे प्रोसे जी मैं लाड लजाया I'm not a man.
चंदन बन जाने ने चंदन भी समरस करके चंदन बन जाने ने चंदन भी समरस करके चंदन का दुर्गा पला पेड़ो ठाक बलास वो भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास परम सत्कार जो साहब संगत सारी संगत सब दे ख्याल नू इस तरह गुरबाणी दे विचार दे सामने लियाओ जिस तरह कोई बरीक ईद का चंद्रमा इन 30 दिन रोजे रख के अड़ीकती है दुनिया भी दर्शन करिए ईद के चंद्रमा के 30 दिन रोजे रख के नमाजा पढ़ के और चंद्रमा के दर्शन करना चाहते हैं जेड़े ईद को मंजूर करता है वो बरीक हुंदा वो तो आसमान के पहले दिन चंद्रमा बहुत बरीक हुंदा है आम नज़र नहीं आता कोई इशारे ना जिन्हें चंद्रमा ने तक लिया वो इशारों के नाल दूसरे को कहना भी वह दरख्त दी टीसी तो नहीं देख वो फलाने कंध के कोले तो नहीं देख वो इशारे करके समझाना भी उतों की देख चंद्रमा भी पड़ेगा तेन लेकिन गुरु जी सानू उन्होंने इशारों के नाल समझाते हैं कि गुरमत किमें दिसेगी किमें समझ पवेगी उन्होंने इशारे के नाल सानू समझाते हैं ख्याल में रोक के वो समझ ऐ प्राप्त हो जाती है जिस तरह किसी की मन के जितों की दसता भी उतों की देख चंद्रमा की पेगा वो कहे मुताबिक वो चंद्रमा देख लेंदा है
इसी तरह गुरु जी सामने समझाओ गुरमत किमें धारण होगी किमें समझ पड़ेगी जिन्होंने असं सुन वास्ते आने गुरबाणी के विचार जी धार्मिक विद्या जी भगती मार्ग की पढ़ाई है ये पढ़े बिना यह संसार के आने ही फेल मुंडे मंगू है उसने समझने खातर जब आया है स्कूल अटेंड किया विद्यार्थी ने फिर उन्होंने समझ भी लेने का शौक हों तो मैं पढ़ा मेरी समझ आवे इसी दिन सत्संगी को यह शौक हो गुरमत रूपी चंद्रमा देखना है विचार समझनी है फिर अपी ख्याल में रोकन का सुभाव बन जाएगा सत्संगी का सत्संग तो बिना भी घर बैठे का ख्याल कुदरती रोकन यह सुभाव बन जाएगा वो हर वक्त ही चंद्रमा के दर्शन करने लग जाएगा हर वक्त ही गुरबाणी की समझ तुम पैन लग जाएगी जब इस तरह ख्याल में रोकेगा यह प्रमाण कर देने गुरु जी जस करो वाहगुरु का प्यारे हो चित्त में साधन करके जस करो वाहगुरु का प्यारे हो चित्त में साधन करके करम संत नीत शब्द वरदान अकागर चित ख्याल बहुत ज्यादा खिड़िया इंसान का ऐ खिड़िया है ख्याल इकट्ठा नहीं होंदा जिस तरह किसी टोबे के तलाब च जा किसी खूह च सरों के तेल दियां दो बूंदा घेरदी है वह सारे तिसार होंदा तिरमले बन के सारे पानी के तेल है इस तरह ख्याल सारे संसार के विच दा खिड़िया पिया है ओनू कट्ठा करना गुरमत द्वारा तरीका सानू गुरु जी फरमान कर दे भी जिन कट्ठा करना है कट्ठा मन सुख नहीं है खंडिया मन दुखी है बेचैन है फिर गुरु जी सानू फरमान कर देने दया दे ताकत आवे थाने चारे पासे मन दौड़ता फिरदा नहीं टिकता भजन करने जी करता नहीं टिकता यदि विचार सुना तरीका मिल जाएगा वो नाल जुड़िया जाएगा ख्याल न सुन का गुरबाणी के पिछों थ्योरी समझन का यह लाभ प्राप्त होगा ख्याल लिया हजूर पातशाह संत महाराज जी संत महाराज अत्र सर रेलू साहब बाबा अतन सिंह जी महाराज के चरणों में पहुंचने का वक्त आ गया वक्त कौन लिया हों अपने अख्तियार किसी के कुछ नहीं है गड्डी तो एक ठोस है ड्राइवर तो बिना गड्डी ठोस है चल नहीं सकती दो कदम की गड्डी नहीं चल सकती ड्राइवर ड्राइवर के हाथ स्टेयरिंग है जितों की गलियों के बिजली लै जाएगा पीड़ा के बिजली लै जाएगा साफ सुथरे तरह गड्डी लै जाएगा यदा स्टेयरिंग तकदीर है
ਪ੍ਰਲਭਤ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਕਾ ਫਿਰ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਪਰਕਾ ਸਿਨ ਸਿਨ ਕਰਕੇ ਵਰਕੇ ਉਲਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਹ ਆਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਰਬੂਜਾ ਕਿਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਡੰਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਰਬੂਜਾ ਕਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਅਲੈਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਖਰਬੂਜੇ, ਉਹ ਸਗਲ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਲੇਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਕਿਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੇਲ 'ਚੋਂ ਕਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਲ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਲਿਤਦੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਬੇਲ ਦਾ ਕਿਰੇਵੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਂ ਨਿਰਛਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਖਰਬੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਚਾਉ, ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਚਾਉ, ਦੇਖਣੇ ਪਛਾਣੋ ਨੱਚਣ ਦੇਖਣੇ ਪਛਾਣੋ।
पिचर वसे सैलरी जितर साथी नाल जा साथी उठ चलिया टांतल खाकू राल मन दा राग प्यार दर्शन देखने का चाओ तन सु तेरा थान जिचर वसे कंत कर जियो जियो सब कहा जा उठे चलसी कंतड़ा ता कोई न ते पुछे तेरी बात पेयड़े सौ सेव तू सौंप ले सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुल कदे न लगा दुख सबना सौरे बंजन सम कलावन हार नानक तन सुहागणी जिनसे नाल पिया जब ओ तकदीर दे विच ओ कर्म पाउंदा है भगती मार्ग दा जिहड़ा गुरु नाल लेवण है ओ ऐनी नहीं दूजे कर्म मंगू जिवें अन्ना बंदा किसे दे विच लग्या ओ कह के गां लंघ गया ऐनी ही कर्म हुंदा है दूजे कर्म सारे ऐ लंघ जांदे ने अपना बल दिखा के चले जांदे ने एक जद इहदी वारी आउंदी है निकल नहीं दिंदा अपनी छाया दे हेठों यह कर्म अपनी रोशनी दे हेठों परे नहीं होण दिंदा इहदे च शक्ति है जिहड़ा परमेश्वर दे नाम जपाउण वाला जपण वाला कर्म आया वा गुरु दे मिलाप दा कर्म आया है पिछला कीता पिछली तकदीर दा पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे जब पिछले लेख इहदा तकदीर दे विच आउंदा है सारा अपना कम तकदीर दे नाल हो रहा है भावें दुनिया कहनी है मैं करदा नहीं तकदीर दे विच जो कुछ लिखा वह करदा है वह हो रहा है वह जै जो कर्म हुंदा वह जै दा सुभाव बना दिंदा वह जै कर्म करा जांदा है तो सुधीमी नहीं रहिंदा हुंदा फिर दूजे दी वारी आ जांदी उदों भला मन च बन जांदा है इस तरह जब आउंदा है वह कर्म जब आउंदा है उदों इहदे विरागमई अंदरों ख्याल उठण लग जांदे ने दुनिया ऐं दिसण लग जांदी है जिवें सूरज चढ़े दे विचों तारे दीने हुंदे ने तारा दीदे ही ने कोई कोई दीदा सी बस दुनिया जां दुनिया का मोह प्यार जां सुख इहदे अंदर प्रवेश नहीं करेगा वह कर्म ने इहदे हिरदे ते कब्जा कर लिया जिन्हें गुरु नूं मिलाउणा है उन्होंने नेड़े आईया घड़िया कहने भी जब मिलाप तो पहला सिखते हुए तकदीर के नेड़े घड़िया आईया होंगे नहीं है मिलाप वाली वह विचोले ने बड़े संसार विचोला नहीं है वह कर्म विचोले ने भला करने वास्ते नेड़े आ गई मत्थे दे उत्ते लिखिया घड़िया मिलाप Thank you.
पिछला कर्म गुरबाणी से लिखा रहा पूर्व कर्म पहला जन्म का पहला कर्म किता होंगे है जिम्मे होर भी कर्म होंगे ने यह बड़ा कर्म उदो ए अंदर उदासी पैदा होगी उपरामता पैदा होगी बराग पैदा होगा तपस्या करने जी करेगा ए पहली वातावरण अंदरला बन जाएगा यह कर्म इतना यदि मदद करेगा इस सत्संग चंगा लगेगा भले पुरुष दल चंगी लगेगी दुनिया को कतराएगा दुख दुख मिलता है किसी गलबात कर ए अंदर अवस्था होंगी है गुरु के मिलाप तो पहला जिदी बाबत गुरबाणी च गुरु जी प्रमाण करते भी तलाश करता भी उलना उथे चलना तेन ए नहीं पता हों मेरे गुरु मेरे गुरु का मिलाप वाला समा आया तेन बराग खिची फिर होंगे ये कहना कि पता नहीं परमेश्वर मैं उधरों मिल जू इधरों मिल जू आप महारा चल पैदा है किसी आश्रम से किसी तीर्थ से कित जी नहीं लगता हों पहला मिलाप तो पहला इन पता नहीं हों सिख पता नहीं हों इंसान भी यह कर्म मेरा केड़ा है इन्ना जरूर अभी सुख दिता वह कर्म बेचैनी नहीं है बराग है आनंद है जो बदलवाई होंगी है इस काल के कि ठंड होंगी है यह अवस्था आई होंगी है वह बाबत गुरु जी गुरबाणी च यूं फरमान करते हैं तेरे नाम दी बराग मके जंगला ते पूंड दी Thank you.
खोजत पई वैराग काहदा वैराग लग्या की इच्छा भटकी है अंदर काहदी खिच पई है खोजत खोजत पई वैराग परम दर्शन कहो फिरत तसाई ए प्यास लगी हुंदी है अंदर खिच हुंदी है भी कद परमेश्वर दा मिलाप होवे मैनू पर ए नहीं पता भी विचारे विचारे किसे दी लोड़ है ए किवें मिलाप होवेगा। इस तरह की अवस्था आ जाती है आप जी ने संत महाराज जी ने बड़िया ने जिन्हों की वर्सी है उन्होंने एक नाटक दिखाया अपने जिम्मे भगतों को भगती करवानी होंगी है वो भगती करनी से आए उन्होंने बराग पैदा नहीं सी होया वो तो शरीर में सदीवी बराग की मूर्त से जो दर्शन करता तो वह टल जाता थी सामने हमें कितने भी मूहरे आकड़ खान आते संत महाराज जी दे नाले संत महाराज साही चाड़ती ऐन भी स्वामी बैठा लंघ तिरंगा फकीर किसी को बराग पैदा हो जाती है त्यागी है ऐ नहीं सी हजूर दे तो सोने के सिंबल ने सोने दुंडिया सी सोने के तिले वाली जोड़े सके सोने के सिंबल ने से हथा दे संगतों के भेट कितों प्रेम पूरा करने के मारे हाथ च रखते से भी प्रेमी का प्रेम है यह। सतगुरु नानक देव महाराज जी ने किसी की माला बनाई भी प्रेमी की अपने केस वट के प्रेम जाहिर किया उन्हें माला बनाई गुरु नानक जी ने भेट की माला बना के गुरु जी ने हाथ च नहीं रखी अपने सिर च रख ली जूड़े के आले दुआले जी घूमती है वह प्रेमी की माला। गुरु नानक जी का श्रृंगार कित इन चीजा नहीं बढ़ता पर प्रेमी के प्रेम बढ़ता है जेड़े परमेश्वर के प्यारे परमेश्वर से बिकते हैं उन्होंने प्रेम का ही भुखा उ श्रृंगार है। संत महाराज जी कर्म कराने का कोई मतलब नहीं उन्होंने संगत तो करवाना जो कम आए थे जन्म मन दू में ना ही जन परोपकारी आए जी दान दे भगती लैन हर सो लैन मनाए इको एक सारी जितनी हजूर ने अपनी मौत के उम्र भोगी इको रमज रखी भाई परमेश्वर का नाम जपो परमेश्वर का नाम जप के और परमेश्वर के बीच मिल जाओ सदीवी इस संसार के दुखों से बरी हो जाओ फिर ये तरीके दस दूंगे जो कोई पूछता दसो महाराज जी किमें फिर सारे तरीके दसने फिर जोड़ा कम करने वास्ते आए थे पहले ही सके कारक से हो पर यह तंग करतब करते से बराग दिखाते थे तो बराग बंडना से उन्हें अपने सिखा में शुरू तो बचपन तो ही जब स्कूल च पढ़ते से संत महाराज जी बाबा बुद्ध सिंह जी खेड़ी वाले पंडित उन्होंने जमाने च तोपखाने से संत महाराज छोटे हीरा सोहर वो कह लगे प्रिंसीपल ने एक दिन असि कहते रोज जाके दर्शन करते पढ़ते तो संत महाराज जी अपनी भूआ के पुत को पटियाले मोती बाग च महाराजा भुपिंदर सी उन्होंने पटियाला का राजा सी रैत सी गार्डियन साहब से संत महाराज के भूआ के पुत खनाल वाले दलीप सिंह होरी छोटी खनाल के राजा भुपिंदर सिंह उन्होंने तो बिना कितने भी नीति जाता वो संत महाराज रेम साहब वाले तो उपदेश लिया गया से भजन करते संत महाराज जी सारे बचपन के लक्षण देख साधु के वर देख के
छेवीं जमात तो बाद अपने को सेवा करांगे कोले रहेंगे। महापुरुष ने अपने घरवाली कहता भी देखो कोई इन्हों अनगहली दे बच्चे कोई सेवा च फर्क रह जाए। तो महापुरुष ने अपने घरवाली सरदारनी सरदार दलीप सिंह गार्डियन ने जो महाराजा पटियाले का गार्डियन से नाल रहने वाला वो अपने को लै गया। घरवाली समझा दिता बड़ी प्रेम न सेवा की। उत्थे संत महाराज जी पढ़ते स्कूल का जरा स्टोर होंगे जिते गद्दे पे होंगे ने फिजिकल दे पीटी दे जिमनास्टिक वगैरह के वह कमर के बच्च जाके अपनी अमृत वेले खोलिया किताबा परे रखिया समाधि ला के बैठ गए संत महाराज जी। क्लास शुरू हो गई कहने गुलाब सिंह नहीं आया देखो तो सारे नाल दे कहने लगे सी स्कूल च वरदा देखा है साढ़े नाल आया पढ़न। घर च उतरे ने दलीप सिंह का ड्राइवर छड के गया घर च उतरे ने अपनी मस्ती अंदर चले गए ने टोल तक इतना प्रिंसीपल कहने जब संत महाराज ने उस टोल च देखा तो समाधि लाई बैठे दसवीं च पढ़ते प्रिंसीपल कहने लगा गुलाब सिंह हाजरी का ध्यान रख्या करो ठीक है तुम भजन तो कर दो अं कुछ कह नहीं सकते तुम महापुरुष हो पढ़ते तो जाए प्रिंसीपल कहते तुम जब स्कूल मेरे को पढ़ दो गैर हाल तो बचा रख्या करो। उठ के संत महाराज जी हस के कहने कहते प्रिंसीपल साहब तुम अपने गैर हाजरिया पूरी करो बहुत गहरे हाजिर हो तुम देखो पढ़ते गुरु नानक देव महाराज जी ने पढ़ते पढ़न लगे पढ़ाने लग्या मत दिती सी ना प्रिंसीपल न संत महाराज जी दस पड़ते ने मत दिती कह लगे तुम गैर हाजरिया पूरी कर लो बहुत ही ने मेरा चिंता ना करो तुम विजन तुम कदे भी परमेश्वर ने याद नहीं किया रब ने नौ नहीं लिया है गैर हाजिर हो तुम वो किते बाले सारे भुल गए छोड़ी हाजरी नहीं। संत महाराज जी ने यह उत्थे उन्होंने सिक्ख्या दिती करतब उ बचपन च भी अखीर तक उ करतब परमेश्वर का नाम जपा का जिसे बाब तो प्रमान करते हैं गुरु जी सारे संत जपा तेरा नाम राम दा कम करती उत्थे प्यार रहिंदा सी राणिया आउंदियां नमाउंदियां उसनूं पटियाले वाले राजे दियां कोई खवाउंदियां पिउंदियां जाके उन्हां दा सेवादार सी अपना रेड़ा बनाया उहदा हथ नूं नमात्मा के बाबा जी नूं सरदारां दे राजिआं दे महलां वल घुमा लिआउणा तां उन्हां ने पैसे धेले मत्था टेक देना उन्हें शराबां पीणियां जूआ खेडना इहो जिहा सेवक वी सीगा पर उहदे नाल बोले नहीं सारी उम्र जिदे शरीर छदना से बाबे ध्यान ने उदे उन्होंने कहा कहने प्रेमिया तैं सेवा की है पर तेरे चज तो चंगे नहीं थे जिदे बाबे ध्यान ने शरीर छदना थी उदे बोले ने उन्हें सारी उम्र सेवा करता थी कहने के प्रेमिया सेवा तो तैं की है जरूर पर तेरे लक्षण चंगे नहीं थे चल सेवा मुख रख के जे तो चलना तेन मार लै चलीए असं जाने सचरा लो हूँ जरा जिसे कर्म मारे होंगे उन्होंने गल एक बुरी लगती होंगी मैं तो मर जूंगा जिसे कर्म चंगे उन्होंने भी यह लाभ कौन कट लो पर कर्म नहीं थी कर्म माड़ा करके कह लगा महाराज मैं तो मैं नहीं मरना चाहता बाबा जी शरीर छड़ गए स्नान करके और पिछले उत संत महाराज जी कह लगे मैं दर्शनों में चलिया गया हूँ भी नाल सेठी जा सो नाल से जरा इतने दुर्गई होंगे ठंडदार बाबा चरने नमस्कार की बाबा चरना गोंदे सिर पाके बैठे रहते बहुता इस तरह दोनों में रहने जब नमस्कार की एकदम गर्दन तार चाके कहने छेती जाओ छेती सुनो चंदन उड़ीकदा चंदन बनाने वास्ते महल के किनारे इन्ना इशारा कर दिता। बाबा हीरा सिंह जी कला विदेश लै चुके से काफी फौज के अफसर भी सिपाही भी रेल साहब संत महाराज जी को मरता के देश लै चुके थे पटियाले जी छुट्टियां भी उठी कटते होंगे बहुत सीगे तकरीबन कौड़िया के 15 बजुर्ग से मैं दर्शन करे उन्होंने कौड़िया जाके असं उत्थे रहे हैं उन्होंने दसा भी असं संत महाराज जी उत्थे सेवा करते होंगे सीगे फौज च रहने होंगे वो हीरा सिंह वो समझ गया कह लगे रेल साहब वालों इशारा बाबा ध्याने का भी सेठी जाओ सू चंदन उड़ीकदा चंदन बनाने वास्ते नहर के किनारे नहर के किनारे रेणु साहब जी उस वक्त ही संत महाराज जी कहने असं चल पे दिल्ली गए टिकट लिया पटियाले लुधियाने उतरे लुधियाने सानेवाल जाके उतर गए गड्डी से दिल्ली गए
दस दिन सिंध महाराज की कुर्सी लगी है कमेचाली बगीची के संगत बच्चे ने नमस्कार करके भेटा करके उत्थे कलेज बगीची च रहने से गुरुद्वारे की सेवा चल रही थी रामपुर पिंड के कलेज साहब कि बाहर खत्ते से है। जब उत्थे पहुंचे बाबा हीरा सिंह ने नमस्कार की पिछे हट के खड़ गए संत महाराज जी ने तो शाही ठाठ हों टसर बोटी पहन गए थे टसर का चीरा टसर का ही कुर्ता टसर का ही पजामा जब मेरे हथ बन के संत महाराज जी को जब मैं सामने ही गया तो संत महाराज जी ने यह कहा कि आता तू चंगी खुली है छुट्टियां करके आया होगा क्योंकि गर्मी से उदो छुट्टियां मिलती होंगे नहीं लेनी इशारा तो होर सीगा पर दुनिया के देखने से आगे बाबा जी ये कहने भी इम्तिहान दे हर दिन होंगे विद्यार्थी छुट्टियां होंगे दो महीने भी वह छुट्टियां याद कर पर नहीं अंदर नहीं छुट्टी है जमा तो छुटकारा जमन मन तो छुटकारा तमाम वासना में विचार तो छुटकारा बनी ये इशारा सीगा भी कहीं खुली छुट्टियां करके आता तो चंगी आया होगा सिंध महाराज जी समझ गए बच्चा तो मैं बोलने नहीं जानना होंगा जब माता अपने बहां से चक के बुरी सुनती है हलारे दिंदी है वो प्यार नहीं तो जानता ताही तो मुस्कुरा हों को सुनता बोलने नहीं जानता माता तो प्यार नहीं तो जानता माता तो बोलने भी जानती है प्यार देने भी जानती है अपने बच्चे भी इस भुख में भी समझती है मित्रों प्यार चाहता हूं माता सब कुछ जान रही है पर बच्चा वो प्यार की कदर करता है बार बार खुश हों इस तरह मिलाप हों पहले सिख का गुरु के ना जो तुरे मुखे कर्म होंगे ने सिंह महाराज ने कहा भी खुली छुट्टियां करके आया तो चंगी हजूर ने उस वक्त हथ बन के कह कहने महाराज खुली छुट्टियां तो थोड़े हथ ने जन मन तो तुम कटने खुली छुट्टियां तो थोड़े हथ ने गे खुली छुट्टियां लैन वास्ती आप जी शरण के आया ये बेनती कर दिखती शायद चंगे जी उस वक्त ही वालीबाल खेल खिलाड़ी डिगे नहीं दिंदे होंगे वालीबाल में ना उधरले डिगे दिंदे ना इधरले डिगे दिंदे खेल उस कहने बचना रमजान गुरु पीर महापुरश सिद्धे रहे जी का हृदय साफ और बोची जाता है वालीबाल की खेल होंगी है यही बचना भी उधर उधर ही संत महाराज जी ने उस वक्त ही अर्ज कर दिखती बाते फेर पे कृपुल को अंक सुखना की नहीं बाते फेर पे कृपुल को चक्कर कर दिया बोला चक्कर पैन फेर दसा गुरबाणी बहुते फेर पे कृपन को की फेर पे कदे कुछ बने कदे कुछ बने कई जन्म पै तीज पतंगा कई जन्म गर्मी निकलना कई जन्म पंखी सरपाया कई जन्म है बिलकुल खजोरो मिर्च दी स्मरण की नैया चौकाल देश मिलिया फिरत फिरत बहुते गुब्बारे मानस दे नहीं चौरासी पुगदा कदे कुत्ता बनया कदे गधा बनया कदे दरख्त बनया कदे पत्थर बनया कदे कीड़ा बने गुरु जी के कदे पतंगा बने कदे हाथी बने कदे कुछ बने
नशे मानस में मिले भी एक चक्कर तो कट दो छुट्टियां हो जाए खुलियां, ये अर्ज कर दी भी खुलिया छुट्टियां कर दो आप जी, खुलिया छुट्टियां करने में समर्थ हो, ये बेनती कर दी नाल दुलार नाम की दात मंगनी साथ संगत जी अद्धा अद्धा बोलो जी। मैं बहुत जन्म नया मास्ते हो मेरी नैन नमस्कार, पहलू नमस्कार करते करते बचन बिलास दर्शन करते हुए होने लग गए भी एक चंगी आया है अपनी इच्छा और मैंने नमस्कार करने पहले हृदय सुखदेव सुखदेव ने जहां कर दी। मैं संत महाराज जी कह लगे मैं नमस्कार करने वास्ते सामने होया, मैंने यही जी झलक पी दिमाग के पिछे एडा महापुरुष कोई दुनिया से नहीं है, इनी रोशनी अपने कर्म की रोशनी दिखाई होती है भी संत है क्या बंदा है क्या गुरु है क्या परमेश्वर है क्या कौन है, जो अंदर साडा रोशनी जिन्हें ज्यादा बढ़ गई ज्यादा रोशनी होंगी है ना समझने वास्ते दृष्टांत देना पैदा है। एवं साडे कर्म जगदे ने अंदर जोड़ा गुरु के मिलाप का कर्म है सत्संग जी वो इतनी रोशनी है वो दिखा दिता भी यह संत है क्या बंदा है क्या कौन है वो दिखा दिता, इतनी बिजली लसकती है इतनी अपन कदम ले रहे सो चल धरती से सप पे दीदी पेंदन प्यो दीदी पेंदन कितनी तेज है ऐसे झलक बजती होंगी है जिन्हों के कर्म भोले आए होंगे ने कदम झलक बजी तो महापुरुष पूर्ण दिशे नमस्कार करके दर्शन महाराज जी का मूहे हक बन के बैठा है उदो मैं गुरु नानक जी दिशे महापुरुष नहीं तो गुरु नानक जी देखते सीधे ऐम नहीं बस सकता ऐम नहीं होंगे आप दीने होंगे ने इतनी मेरा रोशनी तेज होंगी है अंदर बुद्ध मलीन करके बिजते नहीं होंगे कर्म की रोशनी नाल बिजली लगते पिछले कर्म की नाल जो बिजली रस भी है यह दो चार सिकदम हो गए जब दात मंगी करेंगे सुबह स्नान करके कशी स्नान दो बजे आ जाए प्रसादा सकया रात कट्टी जब दो बजे स्नान किया कितने चैन आई है सतसंग जी फिर जब मूहे हाँ होगी जी चीज की इच्छा थी फिर चैन कितने आई है स्नान करके संत महाराज जी को पहुंचे मंग की महाराज कृपा करो उपदेश दिता शब्द है जिन उपदेश कहने इतने उपदेश मेरे पहले बाणी पढ़ी हुई है तो बाणी समझ लग जाएगी फिर भी जी कर सिमरन करो सिमरन पहले बड़े सिमरन किए जाते हैं जो पहली पौड़ी है मूल मंत्र जो मन कट्ठा हो जाएगा मैंने किताबें नहीं पढ़ाई पहले किडे किडे बस्ते चकड़े पे मैंने फत्तियां बोलियां जब जेले अगे जाने वो बोझ करता जाता अकल वही होती है विद्या वही होती है इसे तरह ही इधर है जो जो ये नेड़े लगता है तो बुद्ध कम करना शुरू कर देती है जब अवदेश दिता उस जन नमस्कार की उपदेश लेने के बाद सुख मतलब मैं नमस्कार करके उठने लग गया उपदेश लेके मेरे दिमाग च एकदम आ गए निरंकार ने अनुग्रह के नारे ने सारे परिपूर्ण ने परमेश्वर ने उस गलती कहने वह गुरबाणी के तुकां मेरे से असर कर दू गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है नानक भेद ने पाई कहने फिर तीन साल सेवा की निरंकार भावना को एक रिंचक मात्र फुरना थले नहीं उठा इतनी अड़ी अड़ी मैंने कोई फस जाए ना तो साल मार लग गया इस तरह साडा ख्याल उठे जाके फस जाता असलियत है जी उन्हें निरंकार समझने लग गए एक संतान संत बाबा ने आप दर्शन दास ने दस मैंने जितनी किसी की श्रद्धा जावे उतना जावे यदि बुद्ध उच्ची समझ उच्ची यह अवस्था होगी उस वक्त ही गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक सच्चे Thank you.
जन्म मरण भूमि में ना ही जन परोपकारी है। आप जी ने यह इतने बचपन में इससे क्यों दिखाया कि शरीर का धर्म ही यही है। गुरु नानक जी ने शरीर तारे उन्होंने विराग दिखाया, उन्होंने क्लेश दिखाए घर के बिच, उन्होंने सब कुछ थप्पड़ खाधे आम दुनिया मंगे, पर अंदर का नहीं तो कुछ बंदे ने सिक्ख्या देनी है, सहूलत देनी है, समझ देनी है, आप करके देनी है। जब अपदेश दे दिता साहब सिंह जी, एक साढ़े अंदर मैं दस सरोवर है, दो बाउलियां ने साढ़े अंदर, एक मैं दस सरोवर है, एक तू दस सरोवर है। जो मैं सरोवर च लाई जाइए रोज तो जन्म बिगड़ जाते हैं, कुल गर्क हो जाए ने। आप जमी जाना मरी जाता, जमी जाना मरी जाता, वो इसनान करने का यह फल मिलता है। मैं अंदर मैं सरोवर है, एक तू का सरोवर है, जिन्हों आत्म सरोवर कहते हैं। सत तौर पर जानी है जो आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु पुछ के बह रहे करे निवास, एक तू का सरोवर है। जे उन मंडी चली जाए तू तू करता तू प्यार मुझ में रहा ना हो, जब आपा परका मिट गया जग देखा तक। ये दो सरोवर ने, एक सरोवर के तीर वगदा है, उन्हें भन लिंदा पानी सारा अंदर निकल जाता है। मैं सरोवर के गुरु साहब का तीर बजेगा, होर कोई घर नहीं बजेगा, कोई उसे बंब नहीं जा सकती, कोई मिसाइल नहीं जा सकती। जी साढ़े अंदर है मैं सरोवर है, जिन्होंने सुखा है उसने उतों भन के बाहर क्ढना है, सुखी होना है, तो गुरु साहब का तीर बजेगा। उसे जिन्हों उपदेश कहने में जब उपदेश हिंदे घर कर गया, एकदम प्यार हो गया, सारा सरोवर का पानी गर्क हो गया। कभी सतगुर सूर ने बाया मान जो एक लाभ थी परापरत लज्जे शेख, वो सारा संसार भुल जाता, भी मैं खत्म हो जाती है। वो गुरु वाला शब्द है जब तीर बजता है, पर बजता है कि मेरे पूरे लेख होंगे ने उन्होंने समा हो जाता, पर कल विचार उतो चलावे। बाण गुरां ने शब्द बाण मारिया, दो सरोवर ने तो ऐ नहीं है जी, उन्हें जो बत्ता होने बेचारे ऐ नहीं है सरोवर। यह सरोवर आए ने जिन्हें बीमार बंदे के नाड़ी के बिच भी शुद्ध खून भी जाता हों, पैरा खून भी है जो बीमारी पैदा करता, वो टीका नाड़ चला देंगे ने डॉक्टर अपने सामने, नाड़ चला देंगे खून साफ कर दिए, तो सारे जो माड़ा खून है जिद कई ने पैरे बीमारियां वो मर जाएंगे।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਖੂਨ ਨੇ ਨਾ, ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾੜ ਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਚ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਰੂਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜੀ ਕੋ ਬੋਲੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
गुरु गोविंद द्वारा विचार विचार
श्री वाहेगुरु साहिब जीओ ज्ञान तान कछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी तना श्री महला पंजवा संत कृपाल दयाल दामोदर काम क्रोध विख जारे राज माल जो बन तन जियरा एन ऊपर ला बारे संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जो बन तन जियरा एन ऊपर ला बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पौन दे पार उतारे राओ धन सुखान धन ओए भवना जा मैं संत गुसारे जान नानक की सरदा पूरा हो ठाकुर भक्त तेरे नाम सुकारे तन सुठान तन ओ पवना जान संत बसारे जान नानक की सरदा पूरा हो ठाकुर भक्त तेरे नाम सुकारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुरुआत संतान ने चरण बेनती है महापुरुषों की जाग जो अखंड पाठ साहब की लड़ी प्रकाश है हर रोज तीन अखंड पाठ साहब प्रकाश होने आ रहे हैं अज चार अखंड पाठ साहब प्रकाश हुए हैं कल में तीन अखंड पाठ साहब जी के भोग पैने हैं तीन ही प्रारंभ होंगे। सर्वत संत जो भी सेवा कर सकते हैं रौला दिया माइया दिने ड्यूटियां कर दिया हैं भाई साहब न अठ बजे तो छे बजे तो सुबह अठ बजे तक होंगे हैं जो भी जावली साहब जी या अखंड पाठ साहब जी सेवा कर सकते हैं सो सवे सिर पहुँच के आप अपनी हाजिरी लगाओ तो लाभ प्राप्त करो। चार दिन होर बासी दे बाकी हैं इस तरह इश्तहार के तीन दौरान दिन के लिखे गए हैं पर दिन का दौरान आखिरी दिन ही 28 तरीक न होगा बाकी दौरान रात में ही इसे टाइम सजने हैं
सारिया सड़कों वो तो वो पहुंच के लाभ प्राप्त करो। 28 तरीक नमृत संचार होना है, जिन्हें गुरु प्यारे ने अमृत प्राप्त कर रहा है वो आप अपन तैयारियां करो और नाम दर्ज कराओ, समय सिर पहुंच के गुरु बन के लाभ प्राप्त करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम पहला सतगुरु महाराज अपने जिस स्थान पर जाएंगे, फिर सारिया सड़कों ने सतगुरां का प्रसाद लेके सातमें ढंग में आप अपने घर जाना है। जिन्हों गुरु प्यारों महापुरुषों जवानों दैसटा चाहिए है, पंडाल तो बाहर भाई बैठा है, उसके पास सारे जवानों दिया बहुत ही साफ सुंदर कैसटा तैयार होकर आई हैं। जिन्हों गुरु प्यारों कैसटा की जरूरत हो बारह वेर तो लै सकता है। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।